तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज गोवा की सबसे फेमस जगह पे हम आपको घुमाने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। और आज हम आपको गोवा की सबसे फेमस जगह यानी कि दूध सागर वाटरफॉल वहाँ पे लेके जा रहे हैं। आज हम थोड़े लेट उठे थे और तैयार रेडी होने को थोड़ा लेट हो गए, तो अभी के 10 बजे और काउंटर पे वो भाई बोल रहे थे कि जितना जल्दी जाओगे उतना आपको ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 4 बजे क्लोज हो जाता है। तो उसकी वजह से अभी 2 घंटा तो हमको ड्राइविंग करने को लगेगा। तो चलो, ये हमारी गाड़ी है और ये गाड़ी से हमको जाना है स्विफ्ट से। ये हमने रेंटल पर ली थी। तो गाइस, अभी गोवा जाने को रेडी हो जाओ, चलते हैं गोवा दूधसागर वाटरफॉल। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल का जो ऑफिस है उधर, और हमने गाड़ी इधर पार्किंग कर दिया है और अभी जाने वाले हैं हम दूधसागर वाटरफॉल। और यहाँ पे हमने पे पार्किंग कर दिया है हमने, जाते ऑफिस पे और हमारे जो पासेस है वो। तो गाइस, ये है दूधसागर वाटरफॉल का टिकट काउंटर, और यहाँ से आपको टिकट का जो पासिस है वो लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। आपको साथ में एक लाइफ जैकेट मिलेगा, वो लेके आपको जाना है। वो जो इसका चार्ज है 40 रुपीज़, और 600 चार्ज है वो वाटरफॉल का, और 100 रुपीज़ चार्ज है अंदर एंट्री का। तो ऐसे करके कुछ सब है, और अभी काफ़ी सारी लाइन देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। और हमारे बंदे अंदर टिकट काउंटर पर टिकट ले रहे हैं अभी। तो 3,500 रुपये का एक आपको जीप मिलता है, उसमें आपको गोवा के वो जो दूधसागर वाटरफॉल है वहाँ का जो एंट्री है वहाँ से अंदर 10-12 किलोमीटर अंदर आपको लेके जाएगा, और वहाँ से आपको एक आध किलोमीटर आपको ट्रैकिंग करके अंदर जाना है। वैसा कुछ यहाँ से सिचुएशन बना है। तो चलो, टिकट लेते हैं अभी और टिकट लेके जाते हैं, बाद में आपको वहाँ का ट्रैकिंग दिखाएंगे और वाटरफॉल का नज़ारा। तो बने रहिए इस वीडियो में, तो आगे जाते ही चलो। अगर यहाँ से लाइफ जैकेट लेना पड़ता है, तो ऐसा लाइफ जैकेट लेके हमको जाना है। वो लाइफ जैकेट लेके हमको हमारे जीप की जो लाइन है वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, और वहाँ से हमको अंदर एंट्री मिलेगी जीप में। कंपलसरी यहाँ से जीप ही जाती है, हमारा प्राइवेट व्हीकल अंदर नहीं जाएगा। हमारा बंदा है जो ड्राइवर, वो आगे ले लाइफ जैकेट लेके जा रहे हैं। तो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और हमारा जो गाड़ी है वो अभी निकल गया है दूधसागर वाटरफॉल की तरफ। चले मेरे साथ, आगे दिखा दे आगे। वाटरफॉल से आता है नजारा, उसे जोरदार गाइस। ऐसे रास्ते पे आपको ढलाना में ऐसा चलना होगा, ये गाड़ी ऐसे भी जाएगी। ज्यादा बारिश होती है तब तो काफी पानी भरा रहता है। ये अभी देखो, ये लास्ट अभी 15 दिन है, 15 दिन के बाद बारिश शुरू, बाद में 3 महीना बंद, 3 महीना वाटरफॉल बंद हो जाएगा। तो गाइस, इधर आप पानी की बोतल भी लोगे ना, 1 या 2 या 3 या जितना भी आप पानी का बोतल लोगे उतना इधर एंट्री में कितना पानी की बोतल आपने लिया है वहाँ पे आपको लिखाना पड़ेगा। बाद में वो एम्प्टी बोतल जो आप खाली पी के खाली करेंगे ना, वो बोतल आपको एम्प्टी बोतल लेके आना पड़ेगा। टिकट तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ सीन है, तो काफी अच्छा है। हेलो गाइस, हमारे दोस्त लोग पीछे बैठ के चील मार रहे हैं अभी, और पूरा व्यू देख रहे हैं जंगल का नजारा।
भैया अंदर से कितना किलोमीटर है अंदर एंट्री से? 12 अंदर से 12 किलोमीटर का पूरा रास्ता है ये, जो आधे घंटे में कटेगा। तो गाइस जो सेंचुरी है वो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता ही है, दूध सागर वाटरफॉल का और ये भी, और ये पूरा जंगल। ये कैसे ये जो पौधे हैं ना वो सब काजू के, यहाँ पे काजू, ये सारे काजू के पौधे हैं, ये दिख रही है, ये सारे, ये सब ना टाइगर है, ये इधर लेपर्ड है, लेपर्ड टाइगर, एलिफेंट और लायन नहीं है, एलिफेंट और लायन नहीं है, बाकी सारे लेपर्ड है, टाइगर है, भालू। देखो ये टाइगर का सामने क्वेश्चन मारा हुआ है यार, या टाइगर भी घूमते हैं। तो गाइस अभी इधर गाड़ी है, हमको इधर उतार के अभी ट्रैकिंग करना पड़ेगा, 10-1 मिनट का ट्रैकिंग है, बाद में दूध सागर वाटरफॉल का व्यू देखने को मिलेगा हमको। तो ऐसा कुछ भी है, यहाँ से नीचे उतरना है और ट्रैकिंग करके जाना है। कुछ खाने वगैरह की वस्तु लाएंगे ना आप, तो ये बंदर लोग खा जाएंगे। ओह बढ़िया से व्यू है यहाँ से। तो गाइस फाइनली कम फॉर दूध सागर वाटरफॉल, देख सकते हैं नजारे दूध सागर वाटरफॉल के। तो गाइस फाइनली आई एम कम फॉर दूध सागर वाटरफॉल एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉल हमारे बिल्कुल करीब से ऐसे गुजरता हुआ, और हमने इधर अपना पर्स मोबाइल जो भी है यहाँ पे रख के जाते हैं, बाद में जो फुटेज आपको पॉसिबल होगा वो आपको दिखाएंगे। तो आप क्राउड देख सकते हैं कितना बड़ा क्राउड यहाँ पे है। मारो तो आओ रहा है।